हेलो दोस्तों, मैं विनय कुमार त्रिपाठी वापस आपका स्वागत करता हूँ मेरे इस चैनल में। और आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ब्लड प्लाज्मा, जो है एक येलोइस कलर का बोल सकते कंपोनेंट है। और सीरम जो है वो ब्लड प्लाज्मा ही है, लेकिन उसमें किसी भी तरीके के क्लॉटिंग फैक्टर नहीं होते। ठीक है, तब सीरम में क्लॉटिंग फैक्टर वा नहीं होगा तो और का होगा ससुर, ये जान ला। तो जो प्रोटीन सीरम में रहते हैं, उन प्रोटीन का हम एनालिसिस क्यों करते हैं? ऐसे फालतू में मज़ा मस्ती करने के लिए तो कर नहीं रहे, तो कुछ तो कारण होगा ना। तो उन प्रोटीन के बढ़ते या फिर घटते कॉन्सेंट्रेशन की वजह से हमारी बॉडी में क्या क्या बीमारियां हो रही हैं वो पता लगाया जा सकता है। इसका मतलब तो हमारे सीरम में सबसे ज़्यादा होता है अल्ब्यूमिन, जो कि 58 से लेके 74% तक रहता है, जिसे हम कॉन्सेंट्रेशन में ग्राम्स पर डीएल की भाषा में 3.5 to 5.5 ग्राम्स पर डीएल अज्यूम करते हैं। ठीक है, और अल्फा ग्लोबुलिन होता है, अल्फा 2 ग्लोबुलिन होता है और बीटा 2 ग्लोबुलिन होता है। तो इन ग्लोबुलिन का भी कॉन्सेंट्रेशन जो है आपको ग्राम्स पर डीएल में और परसेंटेज में दिया गया है। तो ये याद रखिए कि एल्ब्यूमिन सबसे ज़्यादा अमाउंट में होगा, और जो ग्लोबुलिन के अलग अलग टाइप्स हैं, जैसे कि अल्फा 1 हो गया, अल्फा 2 हो गया, बीटा जो हो गया, इन सब का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो भी वेरी होता है। सबसे अंत का प्रोटीन जो है उसे हम गामा ग्लोबुलिन कहते हैं, जो 8 से 18% तक हमारे शरीर में या फिर सीरम में पाया जाता है। ठीक है, तो हम एक एक करके हर एक सीरम प्रोटीन के फंक्शन के बारे में इस वीडियो में जानेंगे। तो अब हम बात करने वाले अल्ब्यूमिन के बारे में। अल्ब्यूमिन जो है वो सीरम में पाया जाने वाला सबसे ज़्यादा अमाउंट में प्रोटीन है। इसका जो मॉलिकुलर वेट है वो 69,000 डाल्टन होता है, और ये जो है 610 अमाइनो एसिड का बना होता है। ठीक है, उससे हमें मतलब नहीं है, हमें काम की बात करनी है। तो काम की बात ये है कि ये जो है ऑस्मोटिक बैलेंस को बनाए रखता है, जिससे जो अल्ब्यूमिन है ब्लड को ब्लड वेसल के बाहर भी लीकिंग आउट होने में या फिर अंदर बने रहने में मदद करता है ज़रूरत के हिसाब से। ओके, ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या हो गया, ये जो है जो हम दवाएं खाते हैं वो दवाओं को ब्लड के थ्रू दूसरे टिश्यू तक पहुंचाने में, और वो टिश्यू के ग्रोथ ही या फिर उनके बनने में या फिर उनके हीलिंग प्रोसेस में हेल्प करता है। हीलिंग प्रोसेस मतलब सपोज़ कोई टिश्यू को डैमेज हो गया तो वो टिश्यू को हील करने में ये हेल्प करता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम सेकेंड जो सीरम प्रोटीन है ग्लोबुलिन के बारे में। तो जो ग्लोबुलिन के कुल बोल सकते हो कि 3 टाइप हैं। ठीक है, एक तो है अल्फा ग्लोबुलिन। ये अल्फा ग्लोबुलिन जो है इसमें अल्फा 1 और अल्फा 2, ये 2 कंपोनेंट बने होते हैं, मतलब 2 कंपोनेंट इसे बनाने में इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, अब जो अल्फा 1 है वो एज ए एंट्री ट्रिप्सिन या फिर HDL का बना होता है, और जो अल्फा 2 है वो सेरिब्लोब्लास्टिन और मैक्रोग्लोबुलिन का बना होता है। ठीक है, तो ये इनका है। बात करते हैं दूसरा लिपोप्रोटीन, जो बीटा लिपोप्रोटीन जो है। ओके, लिपोप्रोटीन के बारे में आपने पढ़ा ही होगा, इट इज़ कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड्स। ठीक है, तो ये भी हमारे सीरम में प्रेजेंट होता है, और ये जो है हमारे फैट को प्लाज्मा मेम्ब्रेन में मतलब सेल टू सेल ट्रांसफ़र करने में हेल्प करता है। अंत में बात करते हैं हम गामा ग्लोबुलिन के बारे में। तो गामा ग्लोबुलिन जो है वो सीरम में बोल सकते हो कि एंटीबॉडी के ट्रांसफ़र में हेल्प करता है। एंटीबॉडी क्या होती है, इतना ज़्यादा वैक्सीन वा लिए हो ना, तो वैक्सीन वा का क्या फंक्शन है, आपके शरीर में एंटीबॉडी का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने के लिए। ठीक है, ऐसे एंटीबॉडी प्रोड्यूस करने के लिए, जो कोरोना आएगा ना, नौका आ रहा है ना अभी, हाँ, तो उसको मारने के लिए एंटीबॉडी हमें चाहिए रहती है। तो उसके ट्रांसफ़र के लिए आपके सीरम में गामा ग्लोबुलिन नाम का एक सब्सटेंस होना ही चाहिए। यह और ये जो सीरम प्रोटीन का बढ़ता और घटता क्रम है वो क्या बीमारियां उत्पन्न कर सकता है? तो जब सपोज़ कि अल्ब्यूमिन का कॉन्सेंट्रेशन आपके शरीर में कम हुआ
इसका मतलब आप माल न्यूट्रिशन, नेफ्रोटिक सिंड्रोम और इनफ्लेमेटरी कंडीशन, इन तीनों के शिकार हैं। माल न्यूट्रिशन जो होता है वो गलत खाने की वजह से माल न्यूट्रिशन हो जाता है, या फिर अच्छी चीज़ें ना खाने की वजह से माल न्यूट्रिशन हो जाता है। नेफ्रोटिक सिंड्रोम, ये नेफ्रॉन का सिंड्रोम है। नेफ्रॉन में जो एक तरीके की बीमारी है उनके प्रॉपर वर्क करने की कारण बनी जा सकती है, वो है नेफ्रोटिक सिंड्रोम। और इन्फ्लेमेटरी कंडीशन, बिना मतलब के सूजन, उसको इन्फ्लेमेटरी कंडीशन। तो ये सिचुएशन में एल्ब्यूमिन का कॉन्सेंट्रेशन कम हुआ रहता है, और ज़्यादा कब हुआ रहता है, जब आपके बॉडी में डिहाइड्रेशन होता है। ठीक है, अब बात करते हैं अल्फ़ा वन ग्लोबुलिन के बारे में। तो इसका कॉन्सेंट्रेशन कम होना, इसका मतलब लीवर की बीमारी है, और ज़्यादा होना मतलब कि मीन्स आपको कुछ एक्यूट इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ है। ठीक है, एक्यूट होगी या क्रोनिक होगी। और तीसरा है अल्फ़ा टू ग्लोबुलिन, ये कब घटता है, मतलब सपोज कि आपके शरीर में कम है, तो ये हाइपरथायरॉयडिज्म और हीमोलिसिस, इन वजह से अल्फ़ा ग्लोबुलिन का कॉन्सेंट्रेशन घटता है। और वही बात जो अल्फ़ा वन ग्लोबुलिन का था, कि जब ये बढ़ता है तो इसका मतलब ये है कि आपके अंदर कोई इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ है। और बीटा ग्लोबुलिन ये कब बढ़ता है, जो बेवड़े लोग होते हैं ना, शराब पीते ससुर लोग, उनमें ये बीटा ग्लोबुलिन का, उनके सीरम में बीटा ग्लोबुलिन का कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम हो जाता है, और उसकी वजह से उन्हें लीवर सीरोसिस हो जाता है। एक तरीके का लीवर के काम करने की क्षमता में कमी, या फिर पूरी तरीके से बंद होना, जिसे हम लीवर सीरोसिस कहते हैं। ठीक है, और ये जब बढ़ता है बीटा ग्लोबुलिन, इसका मतलब आपके शरीर में आयरन की डिफिशियंसी है, या फिर आयरन की कमी की वजह से होने वाला एनीमिया है। ओके, लास्ट में आता है गामा ग्लोबुलिन, ये अगर कम हुआ, इसका मतलब आपके शरीर में सेकेंडरी इम्यून की डिफिशियंसी। प्राइमरी इम्यून डिफिशियंसी अलग होता है, सेकेंडरी अलग होता है, मेमोरी सेल्स अलग होते हैं, टी सेल्स अलग होते हैं। जब आप इम्यूनोलॉजी पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। और ये अगर अल्फ़ा ग्लोबुलिन ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन में, इसका मतलब आपको अर्थराइटिस है, रूमेटॉइड अर्थराइटिस, ऑटोइम्यून डिसीज। ठीक है, इम्यूनोलॉजी में होगा, याद रखिएगा, जोड़ों में होने वाली बीमारी है। ठीक है, सिनोवियल फ्लूइड होता है वहाँ पर। ठीक है, उसके बारे में उतना ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। तो यहाँ पर हमारा अप्रोच वाला पार्ट ख़त्म होता है। अगले वीडियो में हम लोग इसके प्रोटोकॉल और रिक्वायरमेंट की बात करेंगे। तब तक के लिए बाय।